30 अक्टूबर 2011 तकरीबन 1,00,000 लोग एक रेस को देखने के लिए मौजूद थे। 60 लैप्स यानी 307.249 किलोमीटर की इस रेस को सबसे पहले पूरा किया था रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल ने। वेटल के इस जीत की खबर पूरी दुनिया में फैल रही थी, लेकिन इसका जश्न सबसे ज्यादा भारत में मनाया जा रहा था, क्योंकि ये भारत में पहली बार होने वाली फॉर्मूला 1 रेस थी। ये रेस हुई थी ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। हर तरफ इस इवेंट का प्रचार काफी ज्यादा हुआ था। इस रेस के लिए 2000 करोड़ की लागत से काफी कम वक्त में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को तैयार किया गया था। इस रेस के बाद इस इवेंट की सफलता की बातें हर तरफ हो रही थी। फैंस, मीडिया, रेसिंग कंपनी, रेस में भाग लेने वाले ड्राइवर सभी इससे बेहद खुश थे। 2011 की सफलता को देख रेस फिर से 2012 और 2013 में भी हुई। उसके बाद फॉर्मूला 1 के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नी एक्लस्टोन ने यह फैसला किया कि 2014 में इंडियन ग्रैंड प्री नहीं होगी और उसके बदले 2015 के शुरुआती 6 महीनों में इस रेस का आयोजन फिर से किया जाएगा। सबने सोचा कि एक साल के बाद रेस फिर से भारत में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्या वजह थी कि 2013 के बाद से भारत में ये रेस नहीं हुई? ऐसा क्या हुआ था कि फैंस निराश हो गए और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट सूना हो गया? भारत में ग्रैंड प्री कराने की योजना काफी पुरानी थी। 1997 से ये कोशिश हो रही थी कि भारत में ये रेस कराई जाए। प्लान था कि कोलकाता में ये रेस हो, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। कई महीनों तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बर्नी एक्लस्टोन के बीच चली बातचीत के बाद तय हुआ कि फॉर्मूला 1 2009 में भारत में आयोजित होगी, लेकिन इसे भी आते आते साल 2011 हो गया। 2007 में जेपी ग्रुप ने भारत में होने वाली इंडियन ग्रैंड प्री के अधिकार खरीदे। जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड यानी JSIL ने इस रेस को आयोजित करने, प्रमोट करने और इवेंट को बनाने के लिए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड यानी FOWC से 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये अधिकार खरीदे। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड ने कुछ लाइसेंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत पर जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को ट्रांसफर की। इसी के साथ JSPI ने टाइटल और स्पॉन्सरशिप राइट्स बीटा प्रेमा 2 को बेचे, जिसने बाद में इन्हें भारतीय एयरटेल को बेच दिया। कई सारी कंपनियों के शामिल होने के बाद JSPI ने फॉर्मूला 1 असेट मैनेजमेंट से टीवी ब्रॉडकास्टर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किया और ऑल स्पोर्ट्स ने रेस के लिए पेडॉक राइट्स खरीदे। काफी कम समय में उन सभी कर्मचारियों ने, जिनमें से अधिकतर सर्किट साइट पर ही टेंट में रहते थे, इस सर्किट को तैयार किया। हरमन टिल्के, जो कि सर्किट के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने दुनिया के सबसे शानदार स्टेडियम में से एक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट को तैयार किया। वो स्टेडियम जिसमें घुमावदार शामियाना, ग्रैंड स्टैंड में 13,000 लोगों के बैठने की क्षमता और पैडॉक एरिया में एक वर्ल्ड क्लास गहराई भी थी। अपने पहले साल में भारत में होने वाली सबसे बड़ी मोटर रेसिंग प्रतियोगिता ने कुछ पहचान बनाई, लेकिन अगले 2 सालों के बाद ये पहचान खो गई और 2014 में तो भारत फॉर्मूला 1 के कैलेंडर से ही बाहर हो गया, जिसके बाद वो कभी इसका हिस्सा नहीं बन सका। इसके कई कारण हो सकते हैं कि ये रेस भारत में क्यों नहीं हुई, जैसे भारत में क्रिकेट का ज्यादा लोकप्रिय होना या फिर इस गेम में किसी मजबूत भारतीय चेहरे की कमी, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप में कमी और फॉर्मूला 1 के अलावा दूसरी तरह की रेसिंग का कम आयोजन होना। ऐसी रेस इनको कराने की जिम्मेदारी फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया की होती है, जो कि देश में सरकारी मोटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साल 2013 में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव का बयान भी था, जिन्होंने फॉर्मूला 1 को मनोरंजन माना, ना कि एक खेल, और उसी कारण उस इवेंट पर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिए गए। हालांकि इंडियन ग्रैंड प्री के साल 2013 के बाद से ना हो पाने का एक मुख्य कारण एक कानूनी विवाद है, जिसमें फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लिमिटेड भी शामिल है। FOWC के पास फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री के सारे अधिकार थे, जबकि इवेंट को भारत में आयोजित करने की जिम्मेदारी जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड की थी। जेपी ग्रुप को FOWC को इवेंट की होस्टिंग फीस का भुगतान करना था, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ गई थी। शुरू में FOWC और जेपी ग्रुप
दोनों ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स यानी AAR का रुख किया था। ये दोनों जानना चाहते थे कि FOWC को होने वाली पेमेंट क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आती है या नहीं। इस पर AAR ने कहा कि FOWC का भारत में कोई स्थायी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसलिए ये पेमेंट रॉयल्टी मानी जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई एक अपील में AAR की रूलिंग को पलट दिया गया और कोर्ट ने कहा कि FOWC को हुए पेमेंट को रॉयल्टी नहीं माना जा सकता। कोर्ट के मुताबिक FOWC ने भारत में एक स्थायी एस्टेब्लिशमेंट किया था। कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये दोनों ही पार्टियां सुप्रीम कोर्ट चली गईं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि क्या FOWC ने भारत UK डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA के तहत स्थायी एस्टेब्लिशमेंट किया था, और इसी के साथ एक सवाल और कि क्या FOWC को JP से मिलने वाली पेमेंट भारत में टैक्सेबल है। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने FOWC की दिल्ली हाई कोर्ट की फैसले के खिलाफ की गई अपील पर अपना फैसला दिया कि भारत UK डबल टैक्स ट्रीटी के आर्टिकल 5(1) के तहत यूनाइटेड किंगडम की कंपनी FOWC का भारत में स्थायी एस्टेब्लिशमेंट बुद्ध इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट यानी BIC है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टैक्स $51.4 मिलियन की होस्टिंग फीस में से काटा जाना चाहिए। FOWC का स्थायी एस्टेब्लिशमेंट भारत में मानने का कारण कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जिसके तहत FOWC ने भारत में 5 साल तक रेस आयोजित करने का अधिकार पाया था। अब ये FOWC पर था कि वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितना वक्त प्रयोग करते हैं। जेपी ग्रुप के पास इस इवेंट को होस्ट करने, प्रमोट करने और तैयार करने के पूरे अधिकार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा बिजनेस FOWC कर रही है। इस फैसले का कारण था कि FOWC से जुड़ी बीटा प्रेमा 2 और FOMA ये दो कंपनियां भी अलग अलग तरीके से इस इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थीं। FOWC का इस इवेंट के ऑपरेशन पर काफी कंट्रोल था, जिसके कारण कोर्ट ने माना कि इस इवेंट को करने में FOWC ने एक बिजनेस को करने जैसा ही काम किया है। इतना ही नहीं, जेपी ग्रुप को भी इन 3 सालों में काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इस सर्किट में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे और पहली रेस के लिए लाइसेंस पाने में 197.7 करोड़ का खर्च किया। 3 बार हुई इस रेस में ग्रुप को ऑपरेशन कॉस्ट का कई करोड़ का खर्च उठाना पड़ा, जिसके मुकाबले आया रिटर्न बेहद कम था। आखिर में ग्रुप को 160 करोड़ रुपए का घाटा भी अपने ही हिस्से में लेना पड़ा। इस घाटे को भरने के लिए जेपी ग्रुप ने अपने पावर और सीमेंट सेक्टर की हिस्सेदारी तक बेची। इन तमाम घटनाओं के साथ भारत में लगातार फॉर्मूला 1 होने की कोशिश को भी एक झटका लग गया। अब हमारे पास जो बच गया है वो उन 3 सालों में हुई रेस के विजुअल ही है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फॉर्मूला 1 की वापसी बेहद मुश्किल लग रही है, क्योंकि इसके आयोजकों ने साफ कह दिया है कि वापसी के बारे में तभी सोचा जा सकेगा जब ये सारे टैक्स के मामले क्लियर हो जाएंगे।